हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीजी के शेयर प्राइस पे। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इसमें लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट क्यों लग रहे हैं। मैंने बहुत बार कवर भी किया है, बाकी और यूट्यूबरों से भी आपने सुन लिया होगा कि भाई लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्वार्टर टू और थ्री के रिजल्ट नहीं दे रहे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इसमें अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगे हैं, लेकिन फ्राइडे को फिर पॉजिटिव माहौल के साथ ओपनिंग हुई और फिर भाई लोअर सर्किट लग गया। रीजंस क्या हैं और क्या कुछ इसकी अपडेट है वो डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं देखो कि भाई इन्होंने क्वार्टर टू और थ्री के रिजल्ट नहीं आए थे, नहीं दिए इन्होंने, और फोर सीजन भी चला गया तो भाई सेबी ने एक्शन लिया कि भाई इनकी ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी जो कि अब इस 14 तारीख को। लेकिन इन्होंने कहा कि हम 11 को ही रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद भाई पॉजिटिव माहौल स्टॉक में बनने लगा और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी कवर किया था कि 9.35 पे सपोर्ट है, लेकिन इसके नीचे जाके तब इसने रिकवरी दिखाई, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अब भाई फ्राइडे को फिर लोअर सर्किट क्यों हमें देखने को मिला, तो भाई मैं आपको बता दूँ, देखो इस जो ये स्टॉक है इसमें हमेशा रिटेलर ट्रैप होते हैं, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट करते हैं इस स्टॉक को। उन्होंने क्या किया, बल्क डील यहाँ पे अपनी बाइंग की, और फिर यहाँ पे आपने अगर देखा होगा फ्राइडे को इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और बल्क डील हमें होती हुई नज़र आई थी, और जिस वजह से लोअर सर्किट आपको देखने को मिल गया। अब बात करते हैं कि सभी कह रहे हैं कि 11 जून को आ जाएंगे रिजल्ट, तो चलो आ जाएंगे, मान ली आपकी बात आ जाएंगे। एक पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई इन्होंने क्वार्टर टू के भी नहीं दिए, क्वार्टर थ्री के भी नहीं दिए और क्वार्टर फोर के भी रिजल्ट नहीं दिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई आएंगे रिजल्ट। फिर एक टाइम हम मान भी लेते हैं कि रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आने होते तो ये टाइम पर ही दे देते। इनके रिजल्ट अच्छे नहीं भी आएंगे, उम्मीद की जा रही कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जिस वजह से भाई अब थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आप कह सकते हो। जैसे जैसे रिजल्ट डेट पास आती जाएगी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले भी ऐसा मोमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जहां पे मैं कह रही थी ना स्पोर्ट है, पहले भी यहां पे गिरावट आपको देखने को मिली थी। ये देखो पहले भी ऐसे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे थे और इसी लेवल के आसपास आके यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर की डॉट है यहाँ पे आके आपको ऐसा मोमेंट देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है ऊपर की। बाकी भाई आप लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, आपकी किस्मत कि भाई अपसाइड चला जाए, क्योंकि देखो ये है ऑपरेटर वाला भाई ग्रुप बीसीजी ग्रुप, तो थोड़ी सी ध्यान से ही अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें। बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया है और बहुत से लोगों ने फ्राइडे को भी बाई किया होगा, तो भाई उनके लिए टेंशन ही है उन्होंने। और बहुत से मतलब कमेंट आए हैं मेरे पास कि हमने 60 रुपये से इसे होल्ड कर रखा, हमने 50 रुपये से इसे होल्ड कर रखा, भाई उनकी कैपिटल बची ही क्या, अब ना तो वो निकल सकते होल्ड ही करने से, क्योंकि मोस्टली कैपिटल तो चली गई, बचा क्या। और हमेशा एक लेवल अपना स्टॉप लॉस लगा के चला गया, जब ऐसे न्यूज़ आए ना तो भाई ये भाई मेरी एनालाइज थी। आपका क्या कहना, अब इसमें अपर सर्किट देखने को मिलेंगे या फिर लोअर सर्किट देखने को मिलेंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई लोअर सर्किट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, टू के भी आएंगे थ्री के भी आएंगे, तो रिजल्ट अच्छे ना आने की उम्मीद की जा रही है यहाँ पे, तो गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करना।